माय फ्रेंड्स, मैं वीणा, आपका स्वादिष्ट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुनी पालक लच्छा पराठा। इसके लिए हमें चाहिए, हमने एक बड़ा बाउल भर के आटा लिया है, 2 टेबलस्पून बेसन लिया है थोड़ा करारापन देने के लिए, थोड़ा सा अजवाइन, घी, नमक, लहसुन हमने बारीक बारीक एक गाठा पूरा बारीक कट कर लिया है, और ये पराठे के अंदर लगाने के लिए इसमें 2 टीस्पून घी लिया है, उसमें 1 टीस्पून तिल डाले हैं, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला और थोड़ा सा पिंच नमक, और इसमें 1 कटोरी हमने लिया है पालक प्यूरी। इसी में हम आटा गूंदेंगे, और अगर लगता है थोड़ा सा तो और पानी लेंगे। अब हम आटा गूंदते हैं। हमने आटा गूंद लिया है, हमें पानी नहीं लगा, तो हमारी पालक प्यूरी में ही 1 कटोरी इस साइज की पालक प्यूरी और 2 टेबलस्पून और डाली है, उसी में आटा हमने गूंद लिया है, और इसमें हम 4 पराठे बनाएंगे। अभी हम पराठा बेलते हैं। हमने ये रोटी बेल ली है पराठे के लिए। अभी हम इसमें ये जो मसाला है हमने रेडी किया है, ये इस पर स्प्रेड करेंगे, और फिर इसे हम एक परत ऐसी इस प्रकार फोल्ड करके फिर बेलेंगे। हमने इसके ऊपर मसाला लगा दिया है, अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया, और थोड़ा सा आटा ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया ताकि इसकी परत अच्छी सी खुले। अब हम इसे फोल्ड करते हैं। हमने इसे फोल्ड कर लिया है, अब हम इसे अंदर से इस प्रकार राउंड शेप देंगे। इस प्रकार हमने राउंड शेप दे दिया है। अब हम इसे लहसुन में इसके ऊपर लहसुन लगाएंगे। लहसुन लगा दिया है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा मोटा ही बेल लेंगे, और फिर घी में इसे धीमी आंच पर मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे। हमने पराठा बेल लिया है, अब हम इसे तवे पर डालते हैं। अब हम इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेते हैं। घी में ही, आप ऑयल में भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसे प्योर घी में बना रही हूँ, क्योंकि पराठा घी में वैसे भी थोड़ा खस्ता और अच्छा लगता है। सबको गार्लिक ब्रेड पसंद है, गार्लिक नान पसंद है, इसलिए ये गार्लिक स्पिनिश पराठा बहुत पसंद आएगा, आप जरूर ट्राई कीजिए। हम पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह मीडियम टू लो गैस पर सेक लेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि इसमें हमने काफी लेयर्स दी है और थोड़ा सा मोटा ही रखा है एज ए पराठा, इसलिए हमको आराम से इसे धीमी आंच पर अच्छे से पकाना है, उसके बाद हम सर्व करेंगे। लहसुन पराठा हमने सर्व कर दिया है दही के साथ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही आपके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आयरन से पूरा भरपूर और बहुत ही पौष्टिक ऐसा पालक और लहसुन का पराठा है, और न्यूट्रिशियस भी है, जरूर एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।